किसान विरोधी कृषि कानूनों के खिलाफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भरी हुंकार। प्रदेश भर में कांग्रेस ने काले कानूनों के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। एमएसपी पर मौखिक खानापूर्ति ना करे सरकार। भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार से की मांग। एमएसपी गारंटी कानून पास करके लिखित में दे आश्वासन। मंडी में जाकर एमएसपी की सच्चाई देख सकती है सरकार। एमएसपी से नीचे पिट रही है किसान की धान, बाजरा, कपास और मूंग। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ आज कांग्रेस की ओर से पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया गया। सोनीपत में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने धरना प्रदर्शन की अगुवाई की। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 3 काले कानून एमएसपी और मंडी व्यवस्था पर सीधा हमला है। सरकार ने मंडी के बाहर खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए कानून तो बना दिया, लेकिन उसमें कहीं भी एमएसपी पर खरीद का प्रावधान नहीं जोड़ा, जबकि बीजेपी सरकार को अपने वादे के मुताबिक स्वामीनाथन आयोग के C2 फार्मूले के तहत इसमें एमएसपी की गारंटी का प्रावधान जोड़ना चाहिए था। एमएसपी के लिए मैंने लिखा है कि स्वामीनाथन का C2 फार्मूले का भाव मिले, दिखाए वो किताब, वहाँ कहाँ है वो, दे रहे हैं। मैंने उसमें लिखा था कि 4% से ज़्यादा जो शॉर्ट टर्म लोन है पूरे देश में 4% से ज़्यादा कहीं ब्याज ना लगे, वो मैंने करवाया। आज पूरे देश में 4% से ज़्यादा ब्याज नहीं है, हरियाणा में तो उसमें ब्याज ही नहीं है, तो कौन सी बात कह रहे हैं। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के मैनिफेस्टो और उनकी कमेटी की सिफारिशों के बारे में झूठ फैला रही है, जबकि सच्चाई ये है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए यूपीए सरकार में कई कदम उठाए गए। यूपीए कार्यकाल के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनी कमेटी ने किसानों को सशक्त बनाने की सिफारिशें की थी, जबकि बीजेपी सरकार ने नए कानूनों के जरिए किसानों को पूंजीपतियों के हवाले करने का मॉडल लागू किया है। उनकी कमेटी ने मंडी व्यवस्था को मजबूत करने की सिफारिश की थी। इस दौरान हरियाणा में ब्लॉक और जिला ही नहीं ग्रामीण स्तर तक मंडियों का विस्तार किया गया। पुरानी मंडियों को शहर से बाहर निकालकर शहर से बाहर बड़ी मंडियां बनाई गई, जिसके विपरीत मौजूदा सरकार मंडियों को ही कमज़ोर करने की ओर बढ़ रही है। हुड्डा के नेतृत्व वाली कमेटी की सिफारिश पर पूरे देश में किसानों के लोन पर ब्याज दर को 11% से कम करके 4% किया गया। इतना ही नहीं, हरियाणा में फसली लोन को 0% कर दिया गया था। यूपीए कार्यकाल के दौरान फसलों की एमएसपी में रिकॉर्ड 2 से 3 गुना की बढ़ोतरी हुई थी। हरियाणा में 1509 जैसी धान 3 से 4 हज़ार रुपये और 1121 बासमती धान 5 से 6 हज़ार रुपये क्विंटल के रेट पर बिकती थी, लेकिन मौजूदा सरकार के दौरान किसानों को 1850 रुपये एमएसपी भी नहीं मिल पा रहा है। आज भी परमल धान मंडियों में 1100 से 1200 रुपये में पिट रही है। हुड्डा सरकार के दौरान किसानों के कर्जे और बिजली बिल पूरी तरह माफ़ कर दिए गए थे। किसानों को सस्ती बिजली मुहैया करवाई गई थी। सिंचाई के साधन बढ़ाए गए। ट्यूबवेल और फव्वारा पद्धति के लिए सब्सिडी दी गई। किसानों की पेमेंट टाइम पर की गई। बीज और खाद सस्ते किए गए। पेट्रोल डीजल पूरे देश में सबसे सस्ता किया गया था। इतना ही नहीं, जमीन की कुर्की जैसे काले नियमों को भी खत्म कर दिया गया। स्वामीनाथन ने 4% जो आज ब्याज जो है इसमें किया, हमने कर्जा माफ किया, हमने खाद की कीमत कम की। अब बहुत सारी रिकमेंडेशन मानी गई है, जो मेरी कमेटी बनी थी उसकी रिकमेंडेशन मानी गई है। 4% आज पूरे देश में, पहले सिर्फ हरियाणा में कोऑपरेटिव बैंक में था 4% और कॉमर्शियल बैंक 11-12% देते थे। आज पूरे देश में कोई भी बैंक शॉर्ट टर्म लोन पे किसान से 4% से ज़्यादा नहीं ले सकता, जो समय वापस देता है वो उसी की रिकमेंडेशन उस कमेटी। डिप्टी CM के MSP पर आँच आने पर अपने पद से इस्तीफा देने के सवाल पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अब तक MSP पर आँच नहीं आई, वो मंडियों में जाकर देख ले। आज भी धान, बाजरा, कपास, मूंग और मक्का जैसी फसलें MSP से बेहद कम रेट पर बिक रही है। खुद BJP के सांसद मानते हैं कि किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। नए कानूनों में मंडी के बाहर MSP का कोई प्रावधान ही नहीं है, लेकिन
सत्ता के घमंड में डूबे नेताओं को लगता है कि अब तक एमएसपी पर आँच ही नहीं आई। ओपन मार्केट का मकसद ही एमएसपी से पीछा छुड़ाना है। यदि ओपन मार्केट में किसान को अच्छा रेट मिल सकता तो देश में एमएसपी की व्यवस्था करनी ही नहीं पड़ी। सवाल इस बात का है, वो ये कहना अगर बाहर जो कॉन्ट्रैक्ट पर उसपे एमएसपी लागू करेगी नहीं करेगी, वो तो उस पर तो नहीं किया, उस पर नहीं करनी तो क्या उनको फैसला लेना चाहिए। मंडी में तो शुरू से एमएसपी मिल रही है और उसका कह रहे हैं प्रधानमंत्री कह चुका है एमएसपी मिलेगी, उसका सवाल नहीं। सवाल ये है जो अब ऑर्डिनेंस लाए जिससे क्या चेंज आने वाला है उस पर एमएसपी लागू करेंगे नहीं करेंगे। बाहर जो है बड़े बड़े जो एग्रीगेटर आएंगे या होल्डर्स आएंगे वो एमएसपी पे खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दोहराया कि सरकार एमएसपी को लेकर मौखिक खानापूर्ति ना करे बल्कि किसानों को एमएसपी गारंटी का कानून पास करके लिखित आश्वासन दे। इसके लिए विधानसभा में अलग से बिल लाया जाए। कांग्रेस ने राज्यपाल से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की है। सभी दलों ने एक सुर में इन बिलों के खिलाफ सदन में अपनी आवाज उठानी चाहिए। किसान विरोधी कानूनों को हरियाणा में लागू नहीं होने दिया जाएगा। हल्ला बोल हरियाणा।